हरियाणा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ ने कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के यमुनानगर निवास स्थान पर जाकर संस्कृत अध्यापकों से संबंधित सेवा नियमों के किए गए संशोधनों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा को और अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है और जल्द ही संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति की जाएगी। मैं समझता हूँ संस्कृत को और बढ़ावा मिलना चाहिए और हमारी सरकार का ये प्रयास है और हमारी प्राचीन भाषा है और सारी भाषाओं की जननी संस्कृत, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए और वो और समाज में पॉपुलर हो, ऐसा हमारा प्रयास है, उसके लिए हम काम करें। हरियाणा संस्कृत अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 8 फरवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल सेवा नियम 2021 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन संशोधनों के बाद अब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा शास्त्री और आचार्य को नियमित बीएड और एमए संस्कृत के समकक्ष माना जाएगा। गुरुकुल व्यवस्था खत्म हो रही और उसका कारण है लॉर्ड मैकाले की पद्धति ने, जो अंग्रेजी परंपरा की एमए क्लास थी उस परंपरा को हावी कर दिया गया और जो गुरुकुलों में आचार्य और शिक्षा शास्त्री की विद्या थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई और वो क्या हुआ, वो संघर्ष जो मूल थे उस पद पे नहीं आ रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे और उस चीज को पहली बार विधानसभा में पारित करके और कानूनी रूप से वैध बनाया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और श्रीमान कंवर पाल सिंह जी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दिए जाने से न केवल संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति होगी बल्कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी मान बढ़ेगा। पहले संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति नहीं होती थी जो लोग आचार्य या बीएड होते थे, अब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय कंवरपाल जी के इच्छा से और हमारे हरियाणा अध्यापक संघ के प्रधान और सभी संस्कृतक सेवियों